वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं क्रेटा 2020, द एलईडी बार, जो डिक्की आती है। ऑलरेडी कंपनी ने एलईडी टेल लाइट्स दी हुई है, बेस मॉडल में भी हैलोजन बल्ब्स तो आते ही हैं, बट ये एलईडी डिज़ाइन इंटीग्रेटेड आता है कंपनी की ही टेल लाइट में। ये बार ऑफ एलईडी आती है जो डिक्की में लगती है, जैसे मस्टैंग वगैरह में कॉन्सेप्ट बोलता है। ये लाइट जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट टू एंड एक लुक आ जाता है टेल लाइट, मतलब जो राइट एंड लेफ्ट थी, इसको आप एक कनेक्टिंग पैनल बोलिए, एक ब्रिज बोलिए। सो ये ब्रिज लाइट आती है। गेटअप देख सकते हैं कि खाली पीछे का जो कंपनी की रेगुलर इन्होंने दिया हुआ है डमी पैनल, रिप्लेस करके एलईडी वाला पैनल लगने से गेटअप क्या आ रहा है। इंडिकेटर मोड पे, ब्रेक पे एंड टर्न लाइट पे, ब्रेक मारना, ब्रेक पे आप लोग देख सकते हैं, इंडिकेटर देना द राइट इंडिकेटर पे, इट इज़ अ राइट मूविंग। रिफ्लेक्टर लाइट्स हमने लगाई हुई है, इट्स अ बेस मॉडल क्रेटा, लोअर वेरिएंट आता है, डमी रिफ्लेक्टर्स आते हैं, रिप्लेस करके एलईडी वाले हमने लगाए हुए हैं। इसका भी गेटअप हम लोग देख सकते हैं। सो ऊपर की तरफ हमारी लाइट का कॉन्सेप्ट है, नीचे की तरफ हमारी रिफ्लेक्टर लाइट्स का कॉन्सेप्ट है। फिर से हम लोग देख रहे हैं वाइट एंड हाफ ब्लैक डुअल टोनिंग का कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी ये पियानो ब्लैक आता है, ये स्पॉइलर का कट पियानो ब्लैक आता है, इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू किया है। रूफ रेल के नीचे जो एक्सटेंडेड पार्ट है, हैज़ बीन कोटेड इन द विनाइल पियानो ब्लैक। सो एक सेक्शन हमारा जो है वाइट, उसके बाद है हमारा पियानो ब्लैक, उसके बाद है हमारा सिल्वर। सिल्वर को मैचिंग हमने रूफ रेल्स लगाई हुई हैं। शार्क फिन एंटीना हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द ब्लैक कलर। एक गेटअप देख सकते हैं, एंड इसमें जो अलॉयज भी हम लोग ने लगाए हुए हैं 16 इंच के लेटेस्ट डिज़ाइन, इसको नियो के ये अलॉयज आते हैं, ब्लैक विथ रेड बॉर्डरिंग के साथ आते हैं। अलॉयज का बहुत कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, 17 इंच डायमंड कट अलॉयज, डायमंड कट अलॉयज। ठीक है कि टॉप मॉडल अगर SX प्लस है तो उस पर कंपनी लगा के देती है। आज कंपनी को करोड़ों यूनिट बनाने हैं क्रेटा के, तो एक डिज़ाइन कंपनी अप्रूव करती है कि यही डिज़ाइन सब गाड़ियों में रहे। बाहर जब आपने बेस मॉडल ली है 16 इंच को 16 को 17 इंच करने से, एक इंच टायर का साइज़ बढ़ाने से फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है परफॉर्मेंस में, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नवी गाड़ी के आपके टायर चेंज करना, एक खाली मेंटालिटी बैठ गई है लोगों के माइंड में कि 16 इंच को 17 इंच करना है और डायमंड कट अलॉयज लगाने हैं। बट जब 16 इंच में ही आपको डिज़ाइन ऑप्शन अच्छे अवेलेबल है, तो नवी गाड़ी के आपके टायर, नवी गाड़ी के आपके अंदर के रिम चेंज करने का कोई उसके अंदर पॉइंट नहीं बनता है मेरे हिसाब से। खाली गेटअप देख सकते हैं और 10 डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल है, बट जस्ट लुक एट द फिनिशिंग ऑफ द अलॉयज, ब्लैक एंड रेड में सिल्वर ग्राफिक स्टाइलिंग के साथ आते हैं। एक ऑप्शन है, एक चॉइस है जो डायमंड कट में हमारे पास नहीं है। सो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा, 29,000 के पड़ते हैं चारों टायर के अलॉय व्हील्स, बट गेटअप देख सकते हैं नियो का क्या गेटअप पे आ रहा है। हेडलाइट के बल्ब्स हमने अपग्रेड किए हुए हैं, जो हेडलाइट में प्रोजेक्टर लग के आता है उसके बल्ब हमने लगाए हुए हैं, 4300 केल्विन की हमने लगाई हुई है HID किट। इट्स अ HID इन द येल्लो शेड, इसका फोकस देख सकते हैं, रेंज देख सकते हैं, अपर डिपर, हाई बीम, लो बीम, इट्स अ येल्लो। वाइट तो ठीक है हर कोई लगा रहा है, बट एक्चुअल रोड क्रिस्टल क्लियर, मतलब कंपनी के येल्लो से फ़र्क है, बट 6000 केल्विन वाइट से भी ये डिफरेंट है। 4300 केल्विन की HID इसके अंदर हमने लगाई है। फोक लाइट्स हमने लगाई हुई है, द LED मोड वंस अगेन, इंडिकेटर एक बार देना, वाइट DRL के साथ आती है, टर्न लाइट पे ऑरेंज है, एंड फॉग लाइट भी हमने क्रिस्टल, एंड टर्न ऑन मोड देख सकते हैं खाली लाइट का। फिर से एक बार बंद करके चालू कर, खाली कॉन्सेप्ट देखिए, सुपर मैट्रिक्स मोड में आती है और रिफ्लेक्टर लगने के बाद, इंडिकेटर देने के बाद एक लुक ही चेंज हो जाता है क्रेटा का पीछे से, अमेजिंग। चलो ऑडियो सेटअप पे आते हैं, 10 इंच का क्यूबिक ब्रांड का हमने लगाया हुआ है प्लेयर, क्लैरिटी देख सकते हैं इसकी प्लेयर की। स्टेयरिंग ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स हमने लगाए हुए हैं, बेस मॉडल आती है इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल्स नहीं आते हैं। स्प्लिट विंडो फंक्शन के साथ ये आता है, वीडियो भी चल रहा है, मैप भी चल रहे हैं,
इसका एक यूज़र इंटरफेस आप लोग देखिए, ऑफलाइन मैप्स के साथ आता है। किधर भी आपको जाना है यू हैव टू जस्ट टाइप द एड्रेस, कोई वो इंटरनेट वगैरह भी नहीं देना है, ऑफलाइन मैप्स इसके अंदर दिए हुए हैं। रिवर्स कैमरा भी जो हमने लगाया हुआ है ब्लॉपंक का फुल HD वाला, खाली क्लैरिटी देख सकते हैं कैमरे की क्या लेवल पे क्लैरिटी है। सो टच स्क्रीन एंड्रॉयड 10 इंच का क्यूबिक का हमने लगाया हुआ है, एंड स्टेयरिंग के भी जो कंट्रोल्स हैं फुल्ली एक्सेसिबल है, वॉल्यूम प्लस माइनस ट्रैक फॉरवर्ड रिवर्स Hyundai जेन्यून के ये आते हैं। सो खाली फिटमेंट इसकी देखिए, फुल 10 इंच का ये फ्रेम आता है एंड सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग है, स्पेशली डिजाइंड फॉर Hyundai क्रेटा। एक UI यूज़र इंटरफेस देखिए, इट इज़ विथ अ DSP सेटिंग। हर्ट्स के हमने लगाए हुए हैं कॉम्पोनेंट आगे, ट्यूटर्स देख सकते हैं उसके, ये जो माउंटेड है। आदिल भाई भी है ओनर ऑफ द कार हमारे साथ। आदिल जी, जो सिस्टम हमने लगाया है व्यूअर्स को भी मैं सुनाऊंगा, बट आवाज़ कैसी आ रही है और साउंड इफेक्ट कैसा है जो अपन यूज़ कर रहे हैं आप भी बताइए। दिल खुश हो जाता है सुन के। कोई हुफर नहीं लगाया है गाड़ी में, प्लेयर है और चार स्पीकर है, बट क्लैरिटी कैसी है एक एक पंच में? बहुत सुपर है क्लैरिटी, दिल खुश हो गया। सुना था भी मैं। यही स्पीकर डॉल्बी डिजिटल होम थिएटर में भी आप सुन सकते हैं, यही स्पीकर सराउंड साउंड में भी हम सुन रहे हैं। तो एक ही स्पीकर है बट उसको सुनने का तरीका अलग अलग कंपनी ने दिया हुआ है। बेस वाले गाने पे बेस सुन सकते हैं, फर्क है कि नहीं है आवाज में? बहुत फुल फर्क है, एक नंबर चीज लगाए और चीज देख के दिल खुश हो गया। ओके आदिल भाई, लाइट्स का खाली फोकस एंड थ्रो देख सकते हैं, योसराम की हमने लगाई है। अपर डिपर द लो बीम हाई बीम स्विचिंग एक्शन, एक रेंज एक थ्रो, टोटली बेस्ट उसके अंदर है। सो आदिल जी है ओनर ऑफ द क्रेटा 2020 बेस मॉडल, जो कंप्लीट मॉडिफिकेशन हमने देखा है। 16 इंच के ही अलॉयज लगाए हुए हैं, बल्ब्स अपग्रेड किए हुए हैं, सिस्टम हमने लगाया हुआ है, स्पीकर्स अच्छे से अच्छे लगाए हुए हैं। जो चीज़ नई थी गाड़ी में वो डाला है, जो थी उसको कुछ भी चेंज नहीं किया है, स्टेयरिंग कंट्रोल नहीं थे वो लगाए हुए हैं। ओवरऑल आदिल जी गाड़ी यूज़ कर रहे हो, एक हफ्ते के बाद आज आए थे, स्पेशली जो हमने पीछे की टेल बार लगाई थी, कैसा लग रहा है ओवरऑल गाड़ी रेडी होने के बाद एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या बोलेंगे देखने वालों के लिए? पहले अपने ग्रुप की ऑलरेडी एक दो गाड़ियां हो चुकी थी क्रेटा, अभी वही रेफरेंस से आए हैं, कैसा लग रहा है? गाड़ी ई मॉडल से टॉप मॉडल गाड़ी लग रही है, अलॉयज डाल के, साउंड सिस्टम, टेप, बल्ब, जो हेडलाइट के जो बल्ब है सेम, पूरी टॉप मॉडल गाड़ी लग रही है। ओके जो काम हुआ है ऐसा काम किधर ही नहीं होएगा। जो भी वर्कर लोगों ने काम किया है फिटिंग वगैरह एक्यूरेट और सेटिस्फाइड है कि नहीं? जी बहुत सेटिस्फाइड है, ऐसा लग रहा है कि शोरूम में काम किया है। 101 जो पार्ट लगाया ना सेम शोरूम की तरह, ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि ये ई मॉडल है, ऐसा टॉप मॉडल पूरी गाड़ी लग रही है। जो आगे का फोकलैम है, मैकविल है, जो साउंड सिस्टम है, पूछो ही मत, इतना दिल खुश हो गया इधर आके कि खुशी समाई नहीं जा रही है। ओके आदिल भाई थैंक यू सो मच। सो फाइनल रिव्यू ऑफ द क्रेटा 2020, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।